मेरे खुदा ये क्या हो गया, ये हमारा घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे हेतु, ये तुमने क्या कर दिया? संभालो बेटा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये डायन हमारी खुशियों को खा गई, तरफ के मरेगी दुआ। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए, दुआ को कोसना बंद कीजिए आप लोग। अब कोई भी दुआ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहेगा। दुआ को निकालने की आप लोगों ने कोशिश की है, लेकिन दुआ ने अब भी कुछ नहीं किया है। इस घर से निकलने का फैसला मेरा है, दुआ का नहीं। जिसको मेरे साथ चलना है अपना सामान बांध ले। या फिर अपना इंतजाम खुद कर ले। कागज में तो पहले ही सब कुछ तुम्हारा था दोबारा, आज सच में मैं सब कुछ तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। घर कारोबार जो जायदाद सब तुम्हें मुबारक दूंगा। सब कुछ सौंप के तो जा रहे हैं, अगर साथ ही सब कुछ छीन के भी जा रहे हो तो अकेले अपना फैसला बदल लीजिए। नहीं बदल सकता दुआ, बदल दिया तो खुदा जाने मेरे घर वाले तुम्हारे साथ और क्या क्या करेंगे। हमारे रिश्ते का यही अंजाम होना था, माफ कर दो मुझे, हमने साथ मरने का वादा किया था, अफसोस हम साथ में जी भी नहीं सके। तुम्हारी सलामती के लिए तुम्हें छोड़ना जरूरी है, खुश रहना। तुम मेरा सब कुछ थी मेरी बच्ची, लेकिन अब ना मेरी बहू रही ना मेरी बेटी, तुम तो कैर से भी बदतर हो हमारे लिए। निकल जाओ यहां से, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अरे आप ना किसी की बहन हो सके ना ही भाभी कहलाने के लायक, आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। ये घर दुआ का ही है, जब सब कुछ दुआ का है तो फिर दुआ कहीं और कहाँ जाएगी, यही रही, बल्कि घर छोड़ के हम सब जाएंगे। कागज में तो पहले ही सब कुछ तुम्हारा था दुआ, आज सच में मैं सब कुछ तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। लीजिए बाजी, पानी पीजिए। सब खत्म हो गया, चीज सब बर्बाद हो गया। उसका सर ने कहा था कि वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी, उसने कर दिखाया, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू जी, कायनात नूर, रुहान और मेरे हैदर, उसने सबको मुझसे छीन लिया। हैदर तो मुझ पे कितना यकीन करते थे ना, उस यकीन को भी खत्म कर दिया, सब कुछ तोड़ दिया, मेरी दुनिया उजाड़ दी, सब बर्बाद हो गया। बाजी आप ऐसे मत रोइए। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। अल्लाह जब एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा हफीज, मेरी किस्मत का शीशा टूट चुका है और अब वो कभी नहीं जुड़ पाएगा। दादी अम्मी और नूर का है? हैदर वो अम्मी दिन भर से दरगाह में ही है, वो दुआएं मांगने गई है।
मैंने नूर को उन्हें लेने के लिए भेजा है। तुम फिक्र मत करो हैदर, वो हमें दरगाह पे ही मिल जाएंगे। मेरी उम्मीदों का घर, मेरी खुशियों का आशिया इस तरह मुझसे छीन लिया जाएगा, कभी सोचा नहीं। डोली में बैठ कर आई थी, सोचा था जनाजा बनकर ही यहाँ से रुखसत हो जाऊंगी। मगर मेरे दुश्मनों को रास नहीं आया, बिखर गया मेरा खानदान, छीन लिया मेरा घर, मैं नहीं जी सकती। सब्र करो बेगम, सब्र करो। तुम कहाँ रह गई दुआ? जाते जाते आखिरी बार तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। आ जाओ दुआ। खुदा खैर करे, तुमने तो कहा था कि दुआ के सब सम। मैं कुछ पूछ रहा हूँ और तुमसे ये गजल। दादी अम्मी को घर लौटने से क्यों रोका गया था? जवाब दो। ये लोग जवाब देने के काबिल ही नहीं है हैदर। अब हकीकत दादी अम्मी बताएंगी। चलिए अंदर। फिर वही दलीलें, फिर वही बहस। अब सुनने सुनाने का मामला खत्म हो चुका है, अब हम सिर्फ बाहर जाएंगे। हाँ, मुझे एक बार सुन तो लीजिए दादी अम्मी क्या कहना चाहती हैं, उसके बाद अपना फैसला ले लीजिएगा। तुम पे खुद से ज्यादा यकीन है दुआ, तुम्हारे एक एक लफ्ज में सच्चाई है। दादी, रवि, हफीज सब सच बोल रहे हैं, पर इससे मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तकदीर हमें साथ नहीं देखना चाहती दुआ, तुम खुद देख रही हो, यहाँ सब तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं। तुम्हारी सलामती के लिए, रमी की जहनी सुकून के लिए हमारा अलग हो जाना ही अच्छा है। हमारे रिश्ते ने तुम्हें बड़े गम दिए हैं, इस रिश्ते का टूट जाना ही अच्छा है। बीवी से वफर, माँ से दगा। देखो इधर बेटा, अभी भी मौका है, बाहर फेंक दो इस लड़की को। दुआ जैसी बहुत मिल जाएगी बेटा, माँ जैसी कोई नहीं मिलेगी। अंधे मत बनो इसकी मोहब्बत में, खुदा के लिए। मेरी अम्मी को दिया हुआ दर्द मैं कभी भूलूंगा नहीं। जिस जिसने मैं सताया है ना, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब से ना तू मेरी बेटी रही ना मेरी बहू, आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। तेरी दुआ सीढ़ियों से फिसल कर नहीं गिरी, बल्कि तुम्हारी अम्मी ने बेदर्दी से उसे धक्का देके सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। हमारे रिश्ते की मौत तो शायद पहले ही हो गई थी, पर आज आपने उसे दफनाने की रस्म भी अदा कर दी। अफसोस कि हमारा खूबसूरत रिश्ता मर गया। अफसोस आप नहीं रहे हैदर। मुझे माफ कर देना दुआ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा। तुम भी तो तुम नहीं रही दुआ। खुदाफिस। मैं तुम्हें तलाक देता हूं दुआ। तलाक, तलाक, तलाक। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तुमसे कानूनी तौर पर तलाक चाहता हूं। दस्तखत करो दुआ, फिर इसे यहीं खत्म करो। रूठे रूठे स
से सवेरे जागे जागे हैं अंधेरे रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे हैं अंधेरे लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे पास है जो लगता है दूर माना दिल दाही मेरा है कसूर ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर माना हालांकि कागजात पे साइन करते ना है कसूर ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर है मेरी मजाल हैदर आप कुछ नहीं बोलेंगे मुझे मार रही है और आप वाह हैदर साहब आपसे और उम्मीद की भी क्या जा सकती है देख रहे हैं किसी में हिम्मत नहीं इस डायन को रोकने की तुम्हारी यही औकात है बदसात लड़की पर तो चप्पल से धुलाई होनी चाहिए इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना उस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो तुम ही ने रूहान को भड़काया है तुम्हारी वजह से आज हैदर इस मुकाम पर खड़े हैं ये सब तुम्हारी गलती है तुम्हें तो गोली से मार देना चाहिए अफसोस जिस पिस्तौल का रुख तुम्हारी तरफ होना चाहिए तुमने अपनी चलाकी से उसे हमारी ओर मोड़ दिया है मगर ज्यादा वक्त नहीं है बहुत जल्द तुम्हारी सारी साजिशें सबके सामने होंगी मैं तुम्हारे मंसूबे सबके सामने ला कर रहूंगी बस करो लड़की अब बंद भी करो ये तमाशा ये तमाशा नहीं मेरा मातम है अबू जी मेरी दुनिया उजड़ रही है और आप मेरी दुश्मन को आंख दिखाने की इजाजत भी नहीं दे रहे हैं अरे बहू ना सही बेटी भी ना सही कम से कम इंसान तो समझिए मुझे मैं अपना घर बचाने के लिए लड़ रही हूं और आपको ये तमाशा लग रहा है दुआ तुम मुझे चाहे कितना भी मार लो मुझे अपनी बातों में कितना भी उलझा लो लेकिन हकीकत नहीं बदलने वाली हैदर तुम्हें तलाक दे चुके हैं तुम भी तलाकनामे पर दस्तखत करके हैदर को निजात दे दो नहीं दूंगी बेटा तुम इस खानदान की बहू नहीं माँ हो तुमसे बेहतर हमारा ख्याल कौन रख सकता था मजबूर कर दे तुझको जो रोने पे जार जार क्यों इश्क में इतना मिसरा क्यों नहीं लग पा रहा अबू जी
नाश्ता तैयार है, चलिए। नहीं नहीं नहीं, पहले शेर फिर नाश्ता। शेरो शायरी के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, चलिए ना, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। पूरा दिन होता तो मैं इतना परेशान ना होता मेरी बच्ची, वो शायरे की दावत आई हुई है। अभी गजल तो क्या, गजल का मतलब नहीं हो पाया है, क्या पढ़ूंगा मैं मुशायरे में। अब्बा और मैं टीवी पर बहुत सारे मुशायरे देखा करते थे, आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी कुछ मदद करूं? तुम शेर पूरा करने में मेरी मदद करोगी? जी बिल्कुल। तो अर्ज किया है, मजबूर कर दे तुझको जो रोने पे जार जार। ऐसी खराब लैला को पत्थर उठा के मार। मजबूर कर दे तुझको जो रोने पे जार जार, ऐसी खराब लैला को पत्थर उठा के मार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मिसरा लगाया है भाई, वाह मजा आ गया। उस दुआ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आए, बड़ी बेरहमी से मारा है मुझे। बाकी तो बहुत कुछ है रोहन की अम्मी, सोच रही हूँ आपकी और गजल की जुगलबंदी पर भी थोड़ी रोशनी डाल जाऊं। अगर घबराइए मत, मेरे पास इतना फिजूल का वक्त है ही नहीं। पर एक बात याद रखिए, पहले भी आप गजल का साथ देकर पछताएंगे। अब भी बहुत पछताएंगी, और याद रखिए जहर ही जहर को काटता है। एक दिन आप दोनों की चलाकियों की वजह से ये घर जल के राख हो जाएगा, इसीलिए संभल के रहिए। चेतावनी दे रही हूं आपको, हाफिज। ठीक है भाभी, हाफिज टैक्सी लेकर आ गया। से मुझे और सुनहरी मैं लगती हूँ, सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिल रात सलोने से सब है, तेरे ही होने से ये साथ हमेशा होगा नहीं। चक्कर आ रहा है, इन्हें अंदर लेके चलते हैं, कमरे में लेके चलते हैं। तुम जैसी बला को अपने हैदर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए जा रही हूँ। मेरी बात लिख के रख लो, एक महीने बाद मेरे हैदर मुझे वापस लेने आएंगे, और तुम अपने हाथ मलते रह जाओगी। तुम्हारी ये आरजू कभी पूरी नहीं होगी तुआ, क्योंकि मैं इस घर से और इस घर में रहने वाले हर एक इंसान के दिल से तुम्हारा नामो निशान मिटा चुकी हूँ। बुराई कभी अच्छाई को मिटा नहीं सकती, और इस बार भी ऐसा ही होगा।
मैं अभी तो बहुत खामोशी से यहाँ से जा रही हूँ, मगर जब वापस आऊंगी तो एक ऐसा तूफान लाऊंगी जो तुम्हारी बुनियादें हिला के रख देगा। तैयारी कर लो कसर, तुम्हारी धज्जियां उड़ने वाली हैं। अपना ख्याल रखना। बाजी चलिए बाजी। मुझे पता था तू तुम ऐसे ही करोगी। तुमसे देखा नहीं गया ना कि मैं जमीन पे सो रहा हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ जमीन पर। रोहन को मैं इसलिए छुड़ाना चाहता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि वो बेकसूर है, लेकिन खुदा ना खास्ता दुआ ने जो इल्जाम रोहन पे लगाया है अगर वो सच हुआ तो रोहन को रिहा करना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो दुआ झूठी है, वो झूठ बोल रही है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें दुआ पर यकीन है तो मत दो रोहन का साथ, छोड़ो रहने दो, है मत करो। रोहन मेरा भाई ही नहीं, मेरी औलाद जैसा है। बुरा मत मानिएगा रोहन की अम्मी, लेकिन रोहन का भला शायद आपसे ज्यादा चाहता हूं मैं। अगर तुम्हें रोहन की इतनी फिक्र है हैदर, तो यहां खड़े खड़े तुम वक्त क्यों जाया कर रहे हो? जाओ छुड़ाओ मेरे रोहन। छुड़ा तो उसे लूंगा मैं, बस यही बयान करने आया था आपसे कि मैं अपना फर्ज तो पूरी तरह अदा कर दूंगा, लेकिन उसके बाद रूहान को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हेलो, जमानत के कागजात तैयार है। ठीक है मैं आ रहा हूं।
रवि। अच्छा हुआ तुम काम पे फिर से लौट आए। ये मुंबई वाले क्लाइंट्स के डिजाइन्स हैं, हम डिलीवर करने में पहले बहुत लेट हो चुके हैं, तो मैंने प्रोसेसिंग शुरू करा दी, आप देख लीजिए ना एक बार। अरे ये सब मैं बाद में देख लूंगा रवि, देखो अभी वक्त बहुत कम है, रोहन को रिहा करवाना बहुत जरूरी है, तुम चलो मेरे साथ। क्या बात है रवि, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ रवि? माफ करना हैदर भाई, मगर एक अपराधी की बेल कराने का पाप। तमीजी से बात कर ही नहीं रहा था, ये मेरा साथ नहीं देना चाहता। ना दे, इसकी मर्जी। तुम कौन होती हो रवि से जवाब दराजी करने वाली? मेरी बात गौर से सुनो, अगली बार रवि से इस तरह तुमने इस लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चंद ही लोग हैं मेरी जिंदगी में जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और रवि उनमें से एक है। अगर रवि को तकलीफ पहुंचती है तो दर्द मुझे होता है, तकलीफ मुझे होती है, ये बात याद रखना। रवि I'm sorry, मुझे माफ कर देना, दिल इतना टूट चुका है, जब माफी मांगने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलता हूं। पागल होगी हो, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये सब छोड़ो प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जो भी कर रही हूँ हमारे भले के लिए कर रही हूँ। मैं रूहान की जमानत रुकवा नहीं रही बल्कि आपकी जिंदगी की जमानत ले रही हूँ। और रूहान कोई मासूम बच्चा नहीं है, जो मैं कर रही हूँ उसके बाद ये आपको या मुझे नुकसान पहुंचाने की जरूरत भी नहीं करेगा। जी रूहान साहब, हैदर को जान से मारने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए और उनकी हिफाजत में लग जाइए। अगर हैदर को खरोच भी आई तो उसका इल्जाम तुम्हारे सर होगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इसके बाद खुदा जाने तुम्हें कितने लंबे अरसे तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। हो सकता है उम्र भर, इसीलिए होशियार रहना। बहुत खूब मेरी सौतन, मैं खामखा डर रही थी कि रूहान जेल से निकलने के बाद मेरे हैदर के साथ खुदा जाने क्या करेगा, पर तुमने जो कंप्लेंट की है इसके बाद रूहान हैदर को आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। दिल तो नहीं चाह रहा मगर फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। आप रे, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है, कहीं मुझे भी इन कानूनी ताफ पेच में न फंसा दे। डरो मत, मैं तुम्हें जेल के अंदर भेजने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रही हूँ। तुमने रूहान का इस्तेमाल करके जो गंदा खेल खेला है बहुत जल्द वो खत्म होने वाला है और बहुत जल्द तुम्हारा ये गंदा खेल मैं हैदर के सामने लेके आऊंगी। और फिर तुम सोच भी नहीं सकती कि हैदर तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तैयारी कर, सिर्फ एक महीने के बाद तुम्हारा और हैदर का तलाक होगा।